अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलमान खलील फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मेवाती बुलेटिन लेकर। यह बुलेटिन में देश विदेश की सारी खबर मेवाती भाषा में ही बताई जाएंगी। पांडुचेरी में सीएम नारायण स्वामी का इस्तीफा देना के बाद काई ने भी सरकार बनाने को दावो ना करो है। यह मारे हून का राज्यपाल ने आर्टिकल 239 के तहत विधानसभा भंग करना की सिफारिश करी है और यह बात लू कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हून राष्ट्रपति शासन लग जाएगो, यू बात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताई। तमन्नू बता देवा कि डीएमके और कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दे दियो हो, जाकी वजह से पांडुचेरी में हून की सरकार गिर गई। गुजरात में बनो दुनिया को सबसे बड़ो क्रिकेट स्टेडियम है लेके विवाद शुरू हो गो है। तमन्नू बता देवा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार लू दुनिया को सबसे बड़ो स्टेडियम को उद्घाटन करो। पहले या को नाम सरदार पटेल स्टेडियम हो, अब या को नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दियो है। या के ऊपर कांग्रेस बीजेपी घेरती नजर आ रही है और या के लेके सियासी घमासान मच गो है। देश भर में 1 मार्च कोरोना टीकाकरण को दूसरा चरण शुरू हो गो है। या के तहत 10,000 सरकारी केंद्रन पे 20,000 निजी अस्पतालन में लोगन के कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएंगी। खास बात यू है कि वैक्सीन 40 साल का ऊपर जो बीमार लोग हैं और 60 साल से ऊपर कोई भी आदमी है उनके वैक्सीन लगाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक तमन्नू बता देवा के इन दोनों उम्रन के बीच को आदमी सरकारी केंद्रन में जाके फ्री में टीका लगवा सके है। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में लगवाएगा तो या के लिए वह पैसा देना पड़ेगा। देश में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए चाहे कितना ही मुश्किल कानून बना दे जा अपर उनके खिलाफ भेदभाव कम होना को नाम ना ले रो है। ताजा वाक्या गुजरात का अरवली जिला को है, जहां ब्याह में अनुसूचित जातियों की बरात पे कुछ आदमी ने पत्थर फेंका। एक अधिकारी ने बतायो कि ये लोग दुल्हा ने कुछ रिश्तेदारन के सिर पे परंपरागत स्वाफा बांध दियो हो और कुछ गाना चलाया है, या की वजह से वे नाराज होगा। पश्चिमी बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावन ने देखते हुए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में एक दूसरे पे हमलावारी जंग छिड़ गई है। हुगली में आज एक रैली के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही कि बंगाल पे सिर्फ बंगाल ही शासन करेगा, बंगाल पे गुजरात शासन ना कर सके। ममता बनर्जी ने आगे कही कि पश्चिमी बंगाल पे मोदी राज ना करेगा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है कि नरेंद्र मोदी दुनिया को सबसे बड़ो दंगेबाज है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को काम बहुत तेजी से चल रहा है। आज हुनसु एक दर्द भरी घटना सामने आई है। नूह जिला में एक मजदूर की मिट्टी में दबना से मौत हो गई है। मरना वाला को नाम तालचंद बताया जा रहा है, जो अमरोहा उत्तर प्रदेश को रहने वालों हो। नूह शहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। नूह शहर का वार्ड नंबर 1 में एक पढ़निया बालक की लाश मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लियो है और जांच में लगी हुई है। मरना वाला का नाम रिजवान पुत्र साहबुद्दीन बतायो है, जो ढाणा को रहने वालों हो। नगीना खंड का गुहाणा गांव में आज सुबह डीजल का अंजन फट जाना सु एक चोरा की मौत होगी। जानकारी के अनुसार मुजम्मिल पुत्र जैन का अपना घर में डीजल का इंजन सु न्यार कूट रो हो। अचानक डीजल का इंजन बेकाबू होकर बहुत तेजी से चलने लगो। जब वह ने वाकी स्पीड कम करनी चाहिए तो वा को एक चक्का टूट के हवा में उड़ गो और वा को चक्का वाके भी लग गो। हादसों इतनी एक भयानक बतायो हो कि व्हील चक्का टूट के वा का टुकड़ा गांव का दूसरा मोहल्लान में जाके गिरा हा। और जबकि मरना वाला को एक हाथ कट के 500 मीटर की दूर दूसरा मोहल्ला में जाके गिरो हो। हरियाणा का सारा स्कूलन में चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 1 मार्च पहली और दूसरी की क्लास भी लगनी शुरू हो जाएंगी। रोजीना 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक क्लास लगा करेंगी। यासु पहले शिक्षा विभाग ने 30-5 तक की कक्षा खोलना को आदेश दियो हो, जो आज से शुरू होगी ही। तमन ने पहले ही पता होगी कि 10वीं-12वीं का बालकन की पहले से ही क्लास शुरू हो पड़ी है। आज के लिए इतिया की खबर दे रही और बताऊंगा, जब तक मोलू इजाजत देओ।